आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाला वेज गलौटी कबाब। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है राजमा, जिसको बॉईल करके इसे मैश कर दिया है अच्छे तरह से। मैश्ड ये राजमा है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं फ्राई अनियन, जो कि चॉप किया हुआ फ्राई अनियन है। इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर, 2 चम्मच इसमें मैंने मेल्टेड बटर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। चॉप ग्रीन चिली, एक चम्मच बेसन, बड़ी चम्मच से मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है। कोरिएंडर लीव्स जो कि बारीक कटी हुई है, चिली पाउडर 1 चम्मच मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड कर दिया है। मिंट लीव्स जिसको बारीक काट करके इसमें मैंने ऐड कर लिया है। जीरा पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच और चाट मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिला करके टिक्की का शेप दे देंगे। इस तरह से हम बॉल तैयार करके इसे फ्लैट बना लेते हैं, टिक्की का शेप बना लेंगे। इस तरह से मैंने सारे शेप तैयार कर दिए हैं और इसे इस तरह से फ्लैट तैयार कर लेंगे, टिक्की का शेप दे देंगे। जब ये सारे तैयार हो जाएंगे तब हम पैन में थोड़ी सी तेल डाल करके, ये बहुत ही कम तेल में सीखने वाली कबाब है और माउथ वाटरिंग रेसिपी है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने इसके लिए एक पैन लिया और उसमें तेल को गर्म कर दिया है। अब इसे दोनों साइड से हम शैलो डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारा टिक्की तैयार हो चुका है। मैंने मिनी शेप में बनाया है पराठे और उसके ऊपर टिक्की को रख करके ऊपर से सॉसेस आप अपने पसंद के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो मेयोनीज में मसाले डाल करके, या मिंट चटनी हो गया, कोई भी चटनी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने अनियन को इस तरह से टॉपिंग कर दिया है। अब ये हमारी गलौटी कबाब रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो आप अगर पसंद करेंगे इस रेसिपी को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा।